हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम योगेंद्र कुमार सा। आज के वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं करियर काउंसलिंग के बारे में। करियर काउंसलिंग क्या होता है, कैसे एक स्टूडेंट की करियर काउंसलिंग होती है, कैसे करियर काउंसलर स्टूडेंट को राइट पाथ पे गाइड कर सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट्स होने वाले हैं, कैसे प्रोसेस होता है करियर काउंसलिंग के बारे में, और सबसे इंपॉर्टेंट बात करियर काउंसलिंग में कौन से स्टेप फॉलो होते हैं, वो सब कुछ आज हम डिस्कस करने वाले। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि आने वाले सभी वीडियो की अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आप तक सबसे पहले पहुंचे। करियर काउंसलिंग एक सिंपल प्री डिफाइंड प्रोसेस होता है, जहाँ पे करियर काउंसलिंग एक स्टूडेंट का एप्टीट्यूड, IQ और इंटेलिजेंस टेस्ट लेते हैं। ये दो टाइप का होते हैं। अगर आप एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के साथ करियर काउंसलिंग पर जाते हो तो आपका ऑनलाइन बेस्ड करियर असेसमेंट टेस्ट होता है। अगर आपके नियर बाई कोई फिजिकल मतलब ऑफलाइन कोई इंस्टीट्यूट है जो ये सर्विस प्रोवाइड करती है, तो वहाँ पे आपका पेन पेपर टेस्ट हो सकता है। दोनों ही टेस्ट सिमिलर होते हैं, सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि वो ऑनलाइन होता है, दूसरा पेन पेपर पे होता है। जैसे ही आप टेस्ट देते हो उसके बाद काउंसिलर सेकंड स्टेप पे मूव करते हैं। तो सबसे पहले आपका करियर असेसमेंट टेस्ट होता है, सेकंड नंबर पे आपका इवेल्युएशन होता है। जो भी टेस्ट आपने दिया तो उसके बेसिस पे करियर काउंसिलर इवेल्युएट करते हैं स्टूडेंट की प्रोफाइल पे। थर्ड नंबर पे आफ्टर द इवेल्युएशन डिसीजन मेकिंग स्टेप आता है। फॉर एग्जांपल क्लास 12 के स्टूडेंट ने ये टेस्ट दिया कि व्हाट आफ्टर क्लास 12, तो उसके पास दो मेजर ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले इंडिया में रहकर अपना करियर परस्यू करें, या सेकंड नंबर पे स्टडी अब्रॉड मतलब इंडिया के बाहर जाके स्टडी करें। तो काउंसलिंग डिफरेंट टाइप की होती है, बट प्रोसेस सभी में सिमिलर होते हैं और यही बेसिक फंडामेंटल प्रोसेस फॉलो होते हैं। करियर काउंसलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट API होता है। अभी कोई टेक्निकल वाला बोलेगा तो वो देखा कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, तो आप की जगह पर राइट है। बट यहाँ पर करियर काउंसलिंग में API मतलब एप्टीट्यूड पर्सनैलिटी एंड इंटरेस्ट। जो भी स्टूडेंट टेस्ट देता है वहाँ पर उनका एप्टीट्यूड लेवल पता चल जाता है, कौन सी उनकी पर्सनैलिटी अच्छी रहेगी और इंटरेस्ट कौन से डोमेन में। तो ये सबको डिपेंड करने के बाद आपका पूरा डिटेल रिपोर्ट निकलता है। अगर आपको भी ये टेस्ट देना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं क्वेरी फॉर्म रख रहा हूँ, आप वहाँ पर जाके फॉर्म फिलआउट कर सकते हैं, मेरी टीम आपको रीच आउट करेगी। करियर काउंसलिंग आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट का एग्जांपल ले तो अगर उसने पहले से ही प्री डिफाइंड गोल रखा है मुझे XYZ डोमेन में जाना है, तो उसके लिए करियर काउंसलिंग मेजर इफेक्ट नहीं डालेगी क्योंकि उसने पहले से प्री डिफाइंड किया है। बट करियर काउंसलिंग वो स्टूडेंट को हेल्प करेगी, फॉर एग्जाम्पल वो वर्किंग प्रोफेशनल के साथ कनेक्ट कर सकता है और आगे की गाइडेंस ले सकता है। बट वैसे वर्षा कोई स्टूडेंट है जिसको अभी तक कोई डिसाइड नहीं किया कि फ्यूचर में क्या कर रहा है, तो करियर काउंसलिंग बेस्ड अपॉन द स्टूडेंट एम्बिशन एंड इंटरेस्ट करियर काउंसलर गाइड कर सकते हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, करियर काउंसलर जो बोलेगा वो आपको नहीं करना है, वो आपको सिर्फ रोड मैप और पाथवे दिखा सकता है। एट दी एंड डिसीजन स्टूडेंट्स को और उनके रिस्पेक्टिव पेरेंट्स को ही लेना होगा। गाइस एक मैं सिंपल सिनेरियो आपके सामने मैं अभी रख रहा हूँ। आपको भी पता है कि अभी ऑनलाइन का जमाना है और सभी लोग इंस्टाग्राम और बाकी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए हैं। बट यहाँ एक ड्रॉबैक है कि हम सब लोग इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है उसके बारे में हमको नहीं पता चलता। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई बीटेक कर रहा है स्टूडेंट, उसको इतने सारे प्लेसमेंट गारंटी कोर्स दिखे गए कि वो एक समय के लिए सोचेगा कि मैं जो कॉलेज में स्टडी कर रहा हूँ वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, और वो XYZ कोर्स में एनरोल कर देगा। बट आपको भी पता है कि अभी मार्केट क्या चल रहा है, रिसेशन भी बहुत टाइम तक चला था और अभी धीमे धीमे मतलब इम्प्रूव हो रहा है, तो अच्छी बात है। बट वो लोग इतने बड़े बड़े पैकेजेस दिखाते हैं ताकि कोई Tier 3 Tier 4 वाला स्टूडेंट तो सोचेगा कि मेरे कॉलेज में कंपनी आती नहीं है तो मैं वही मतलब कोर्स में एनरोल कर देता हूँ। या फिर मैं कोई भी एडटेक प्लेटफॉर्म को टारगेट नहीं कर रहा हूँ या किसी के बारे में गलत नहीं बोल रहा हूँ, सब लोग अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। बट जो बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं और वहीं से जो स्टूडेंट है Tier 3 Tier 4 वाला, वो रॉन्ग डिसीजन ना ले, इसके लिए मैं सिर्फ प्रैक्टिकल सिनेरियो रख रहा हूँ, बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसको जो भी करना है वो कर सकते हैं, सब अपनी अपनी जगह पर राइट ही है। बट ये स्टूडेंट के ऊपर डिफर करेगा कि स्टूडेंट को क्या सही है क्या गलत है, वो अपने फ्रेंड्स एंड टीचर्स के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। दूसरी बात कि फॉर एग्जाम्पल क्लास 10th और क्लास 12th वाले जो भी वीडियोस देख रहे हैं ऑनलाइन, वो लोग अभी नया ट्रेंड चल रहा है कि ड्रॉप आउट ले लेते हैं, कॉलेज की डिग्री की कोई नीड नहीं है। गाइस आप लोग रेशियो निकाल देना कितने ड्रॉप आउट से ही सक्सेसफुल हुए, बाकी सब 99.9% कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आपको वो बात का ध्यान रखना चाहिए कि अभी आप क्लास 10th और 12th में हो तो आपको अपनी बोर्ड एग्जाम और रिस्पेक्टिव जो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम लाइक IIT, JEE, IIT, NEET, UPSC जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको प्राइमरी गोल वही रखना है। कोई भी इन्फ्लुएंस करे आपको कुछ पर नहीं करना चाहिए, और डिस्ट्रैक्शन को आपको हटा देना है क्योंकि आपके लिए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ईयर है अभी, मतलब इम्पोर्टेंट एंड वैल्यूएबल ईयर है। तो प्लीज़ आप अपने करियर पर फोकस करना,
बाकी आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे भी कमेंट कर सकते हैं, मेरी टीम को भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, टेलीग्राम का भी दिया है, सब कुछ आपके लिए मैंने कम्युनिटी बिल्ड करके रखी है ताकि स्टूडेंट को जो उनके लिए सही है वही वैल्यू मिले। अब टूल्स एंड रिसोर्सेज की बात करें करियर काउंसिलिंग के, तो यहाँ पे आपको मेजर 3 टूल्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपका ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट हो सकता है अगर आप ऑनलाइन काउंसिलिंग के पास जाते हो। सेकंड नंबर पे आपके स्कूल कॉलेजेस या नियर बाय सिटी में वर्कशॉप्स कंडक्ट होती है टाइम टू टाइम, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। और थर्ड नंबर पे है मेंटरशिप प्रोग्राम जो कि इंडस्ट्री रेडी बनने के लिए हेल्प करते हैं। ये आपके सिटी में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आपको मिल सकता है। अगर ऑनलाइन हुआ तो आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, और अगर ऑफलाइन करें तो ज़्यादातर मेट्रो सिटी में ये होता है। Tier 3 एंड Tier 4 वालों को ऑनलाइन पे ही जाना होगा। वैसे अगर आपको करियर काउंसिल के इंस्टीट्यूट पे अगर डिटेल वीडियो चाहिए कि कौन सा राइट करियर काउंसिल आप चूज़ कर सकते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपके लिए एक काफ़ी अच्छा काउंसिलर लेके आऊँगा। कौन सी कंपनी में आपको ये सर्विस लेनी चाहिए उसके ऊपर भी मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा, बट मुझे आपके सपोर्ट की नीड है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके इन्फॉर्म कर दें। गाइस आई होप आज के वीडियो में मैंने आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की और आपको करियर काउंसिलिंग के रिलेटेड सभी जो डाउट्स थे वो मैंने क्लियर किए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, आप मुझे इंस्टाग्राम लिंक्डइन एंड फेसबुक पर भी DM कर सकते हो, मेरी टीम आपको रीच आउट करेगी। अगर नीड हुई तो 1-to-1 काउंसिलिंग भी मैं शेड्यूल करवा दूंगा, सब कुछ आपके लिए यहाँ पे रेडी है, तो प्लीज़ आप सपोर्ट करते रहना। मिलते अगले एक नई वीडियो में नई अपॉर्चुनिटी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।